Yes,
Yeah.
करेंगे दस सेकंड का रिलैक्स करें, दस सेकंड पूरा साइड टू साइड टैप करेंगे। इसमें पानी या हाइड्रेट ले सकते हैं, कभी कभी हाइड्रेट नहीं हो रही है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ बीच में। गुड मॉर्निंग सभी को। थोड़ा सा तब तक मैं संगीता मैडम आपको स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, आप कीजिएगा। तो बीच में अगर मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को, तो मेरी आवाज़ सुनते हैं। जिन लोगों के माइक कैमरे ऑफ है उसमें कैमरे ऑन करें, हम आपसे कुछ पेमेंट नहीं ले रहे। और फिर भी आप अपना फिजिकल के लिए अगर कैमरा ऑन नहीं कर सकते हैं तो फिर कहाँ पे ऑन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग कैमराज ऑन करें, और जिनका कैमराज ऑफ है मैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाल रहा हूं। ठीक है, कैमराज ऑन करें। बीच में अभी सॉन्ग लगा देता हूं मैं मैडम, आप थोड़ी देर करते रहें, और जिनके कैमराज ऑफ है मैं उनको वेटिंग लिस्ट में डाल रहा हूं। यह सभी रेगुलर कार्रवाई यही रहेगी अपनी, क्योंकि एक्सरसाइज अपने लिए है, फिजिकल के लिए। और अगर हम लोग फिजिकल में अगर अपना एक्सरसाइज के दौरान में अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग समझ सकते हैं कि आपके कैमरे ऑफ हो, पर आपके कैमरे यहाँ पे ऑन होने जरूरी है। मैं वेटिंग में डाल रहा हूँ, कैमरे अगर ऑफ है तो मॉनिटर कैमरे वेटिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। सुनीता मैम कैमरा ऑन करें या फिर वेटिंग में डालो, अपना काम ले। चाहे आप ध्यान रख रहे हैं तभी कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से, पर आपके कैमरे ऑन होने चाहिए। आप कैसा भी करें क्योंकि हमें पता होना चाहिए आप कैसे कर रहे हैं। आप किचन से काम करते रहो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे गेस्ट की तरफ मुझे ध्यान देने की जरूरत है, तब आपके कैमरे से अगर ऑफ है कोई फायदा नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे। नहीं नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। कैमरे ऑन कीजिए फिर मैं आपको यूज करता हूँ। सविता भाई ऑन योर कैमरे, कैमरे ऑन करें। सभी को मैं स्पॉटलाइट करने वाला हूँ बीच बीच में। कोमल मैम कैमरा ऑन प्लीज। ललिता मैम डी वन डिवाइस, श्वेता पटेल मैम कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करें। तो फिर वेटिंग लिस्ट में कैमरा ऑन। स्वाति पाटिल अपना मैम कैमरा ऑफ है आपके, नाम आपका सही है तो कैमरा ऑफ है। कैमरा ऑफ थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा अपना खुद का नाम डालने की। अगर हम लोग अपना नाम नहीं डालते तो क्या फायदा है। नाम डालना है सपना मैम, नीलिमा मैम कैमरा ऑन करें प्लीज। लेकिन सर आपने भी अपना कैमरा बंद कर दिया है, कैमरा बंद वाले तो हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, कैमरा ऑन उनको भी कर दीजिए। यस सपना मैम चेकिंग लिखिए जाएंगे नहीं तो आपसे जितना पॉसिबल है उतना चीज़ है, ऐसा नहीं पूरा करना जरूरी है।
जितना पॉसिबल उतना कीजिए, ज़्यादा ये नहीं हार्ड नहीं करना है, पर उसके लिए आपको जो है थोड़ा थोड़ा वर्कआउट करने की जरूरत है। मैं भी थोड़ा सा कर दूँ वर्कआउट, नहीं तो मैं इसी में उलझा रह जाऊँगा। यस बहुत बढ़िया, खुशी लग रही है आज, बहुत ज़्यादा कैमरे ऑन हो गया, कैमरे ऑन होने चाहिए अगर हम लोग इस तरह। सभी लोग करें, सभी लोग स्पॉटलाइट करने वाला हो एक एक को। करते रहे उसके ऊपर ध्यान मत दो, अगर वो आएगा तब तक आपका नंबर चला जाएगा। फिर आप जो है माइक को टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपना वर्कआउट करते रहो बस। अगर आप माइक को टच करने आएंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि सभी का नंबर आए, रिप्लेस करता रहो तो माइक की ओर ध्यान ना दे। बहुत बढ़िया करते रहे, बहुत बढ़िया खाने कर सर। यस आशीष पाटिल सर, करते रहे करते रहे। टच नहीं करना है माइक को, माइक को टच करने आएंगे बार बार तो फिर आपका नंबर गया। यस बहुत बढ़िया दिन सर, यस करते रहे ना, मेरी चीज यही है, वहाँ पे बीच में टच करने नहीं आना है। और किस किस को लगता है कि मेरा नंबर आना चाहिए, बहुत बढ़िया शिल्पा मैम, थोड़ा सा अगर ड्रेस कोड का ध्यान रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। टच नहीं करना है, टच नहीं करना है, करते रहे बस, टच करने में आएंगे तो आपका नंबर जाएगा। तो कुछ करना है करते रहिए। अब थोड़ा सा हम लोग जो है साइड वाइड स्टेपिंग, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, सेवन टाइम साइड या पूरा साइड में ठीक है एक दो
एक दो तीन साइड चेंज, राइट साइड सेम एक्सरसाइज तीन वाली, ठीक है। Everybody's free.
Yeah.
Everybody dance now. 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 Ever
सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे, कितना? 2 मिनट ओनली, ठीक है? और ताली की आवाज आनी चाहिए ऊपर जब जाएंगे, एक बार साइड में एक बार ऊपर, सिर्फ 20 टाइम, ज्यादा नहीं, ठीक है? थोड़ा सा ब्रीथिंग फास्ट करेंगे, उसके बाद सिटिंग, और उसके बाद में मेडिटेशन में जाने वाले। और मेडिटेशन से पहले हमारी ब्रीथिंग बहुत हाई होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा मन नहीं लगेगा उसको। यस, तो 2 मिनट के लिए सिर्फ। यस मेरे साथ, एक दो, नीचे पसीना है देखना, एक दो तीन पाँच पाँच छः सात आठ नौ 10 11 आवाज 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 रिलैक्स। अभी जो है लगातार ऊपर करेंगे, सिर्फ 20 टाइम, 2 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? 20 बार डायरेक्ट ऊपर, पूरी तालियों की आवाज आनी चाहिए, चाहे तो अपने कैमरे ऑन कर सकते हैं, तो आपकी आवाज आपकी सबको सुनाई दे। यस स्टार्ट, एक मिनट। यस रिलैक्स रिलैक्स, ऊपर बता जाने से नाक से सांस लेना है और मुंह के रास्ते छोड़ना है, खोल के ऐसे छोड़ना है, पर गर्दन डाउन होनी चाहिए, ठीक है? नेक आपकी नीचे, लेवल यस बैठ जाए, रिलैक्स। पसीना आया? किन किन लोगों को पसीना आया? कुछ लोग निकल गए, पर बोला जाता है पहाड़ी चढ़ने के बाद है ना, उसके बाद जो है आसानी होती है, और वो पहाड़ी चढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, पर एक बार कोशिश करना है पहाड़ी चढ़ने के लिए। सेल्फी ले रहा हूं, सभी लोग अपने चेहरे के ऊपर में आराम से फर्स्ट क्लास स्माइल, यस स्माइल के साथ ले लिए, यस थैंक यू। अपने अपने कैमरे में भी ले सकते हैं पसीने की सेल्फी, ताकि आपको लगे कि हमने कुछ किया है। एक सेल्फी ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जो है तब तक ब्रीथिंग रेट हमारी थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अभी मेडिटेशन में जाने वाले हैं, तो हमारी जो है ब्रीथिंग रेट हाई नहीं होनी चाहिए। वो मन लगने के लिए हाई किया था, पर अभी कंट्रोल में आने के बाद हम लोग मेडिटेशन में चलेंगे। यस स्माइल के साथ, यस थैंक यू सो मच सभी को। लगा देता हूँ मैं मेडिटेशन, आराम से सभी लोग बैठ जाए, जिनके कैमरेज ऑफ है थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरा एक और चीज, मैं थोड़ा सा कैमरे सॉरी माइक सभी के ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना डिस्टर्ब होगा, किसी को साउंड जाएगी कुछ जाएगी तो वो नहीं जानी चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। और कोई माइक ऑन नहीं कर सकता, ये वाले मैं सिस्टम कर दे रहा हूँ, ताकि मेडिटेशन के दौरान में जो है सभी को आसानी के साथ हो जाए। आपने सिर्फ ध्यान देना है साउंड की ओर, मेडिटेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आंखें बंद कर दे, लाइट बंद कर दोस्तों दे, कहते हैं कि अगर आपने दिन की शुरुआत ही लाइट बंद अच्छी कर कर देंगे तो भी ठीक ली रहेगा। तो और मैं पूरा अभी मेरा दिन भी माइक बंद कर रहा अच्छा हूँ, यहाँ जाता से आगे है। जो है आप इस अपने खुद ध्यान का को उद्देश्य ध्यान दो है साउंड को। कि आपको सुबह सुबह पॉजिटिविटी से, आत्मविश्वास से और करेज से भर दे, जिससे कि आप दिन भर के चैलेंजेस को, मुसीबतों को आसानी से झेल सकें और आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। आराम से बैठ जाएं, बेहतर होगा कि आप पालथी मारकर जमीन पर बैठें, अन्यथा आप कुर्सी पर भी बैठकर इस ध्यान का लाभ ले सकते हैं। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें, अपने दोनों हाथों को अपनी जांघ के ऊपर रख दें
एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और इस बार जब आप सांस बाहर छोड़ें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, एक एक रेशा रेशा विश्राम में जा रहा है, सिर से लेकर पैर तक पूरी मांसपेशियां शिथिल पड़ रही हैं। एक और गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। अपनी चेतना को अपने चेहरे के ऊपर ले जाएं। रिलैक्स योर फेशियल मसल्स, चेहरे के तनाव बाहर निकल रहे हैं, आंखों की पुतलियां ढीली पड़ रही हैं और आपका चेहरा एकदम ढीला पड़ रहा है। इसके साथ ही आपका पूरा शरीर एक गहन विश्राम में उतरता चला जा रहा है। रिलैक्स योर होल बॉडी, कंप्लीटली रिलैक्स योर बॉडी। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर, विश्राम, पूर्ण विश्राम। अब आप अपनी चेतना को अपने सांसों के ऊपर लगाएं और आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपके सांस की गति धीमी हो रही है और आपकी सांसें गहरी हो रही हैं। आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, ट्रैंक्विल हो रहा है और आपके शरीर की मांसपेशियां शिथिल पड़ रही हैं। इंजॉय दिस रिलैक्सेशन फॉर अनदर 15 सेकेंड्स। अब आप अपने हृदय पे अपने दाएं हाथ को रखें और महसूस करें कि हृदय से पॉजिटिव एनर्जी निकल रही है। दोस्तों, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पॉजिटिव है। किसी ऐसी एक घटना को याद करें जिसके लिए कि आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं या परमात्मा को धन्यवाद कह सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है। आज आपको खाना मिला, आपके पास एक बेटा है, आपके पास एक नौकरी है, आपने कोई एग्जाम क्लियर किया, कुछ भी। सिर्फ 30 सेकेंड तक उस घटना पे अपनी चेतना को फोकस करें और ये महसूस करें कि पॉजिटिविटी की वेव्स, सकारात्मक ऊर्जा आपके हृदय से निकलकर पूरे शरीर को ओतप्रोत कर रही है। दिल से परमेश्वर को धन्यवाद कहें। Say thank you from every cell of your body. Thank you, God, for everything you have given to me. Thank you, thank you. अब इस gratitude की feeling को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दें। एक बार फिर से अपने सांसों के साक्षी बने
ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग फॉर अनदर 10 seconds. और अब आप देखें कि आज दिन में ऐसे कौन से 3 लक्ष्य हैं जिसे आप अचीव करना चाहते हैं. ये कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो सकता है, कोई एग्जाम का पेपर सॉल्व करना हो सकता है, या कोई लेटर लिखना हो सकता है. जो कुछ भी है, सिर्फ 3 काम, वो 3 काम जो कि आज आप करना चाहते हैं, उसको अपने जहन में लाएं. और अब आप देखें कि आपकी मांसपेशियों में वो सारा बल सामने आ रहा है, आपकी इंद्रियों में वो ताकत आ रही है, आपके शरीर में वो ऊर्जा आ रही है जिसके सहारे कि आप अपने काम को बड़ी ही दृढ़ता से, एक प्रवीणता से, एक आसानी से कंप्लीट कर रहे हैं. आप अपने काम में पूरी तरह से दक्ष हैं और आज का दिन ऐसा गुजर रहा है जैसे कि आप अपने वर्क के मास्टर हों, आप अपने काम के मास्टर हैं. देखिए, जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, आप उसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर रहे हैं. और हर कोई, चाहे वो आपका जूनियर हो या आपका सीनियर हो, आपकी वाहवाही कर रहा है. इस फीलिंग को अपने अंदर महसूस करें और मन ही मन यह दोहराएं कि मैं अपने काम में प्रवीण हूं. आई एम परफेक्ट इन माई वर्क. आई कैन टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. आई कैन डू एनीथिंग. मैं ही अपने जीवन की नैया का खेवैया हूं और मैं जो चाहूं अपनी जिंदगी के साथ कर सकता हूं. मैं ही अपने जीवन की नैया का खेवैया हूं और मैं जो चाहूं अपनी जिंदगी के साथ कर सकता हूं. महसूस करिए कि आपके अंदर वो सारे स्किल्स हैं, मेंटल स्ट्रेंथ है, कंधे पे जोश है, शरीर में ऊर्जा है, हृदय में उत्साह है, जिससे कि आप अपने काम को एक मास्टरी के लेवल पे कर रहे हैं. आप अपने काम को परफेक्टली कर रहे हैं. इसे महसूस करें. और अब अंतिम चरण में आप मन ही मन इन एफर्मेशंस को दोहराएं. परमात्मा की ऊर्जा मेरे साथ है. एनर्जी ऑफ गॉड इज ऑलवेज वर्किंग थ्रू मी. मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं. आई कैन डू एनीथिंग. मैं अपने काम में परफेक्ट हूं. आई एम परफेक्ट इन माई वर्क. एनर्जी ऑफ गॉड इज फ्लोइंग थ्रू मी. आई कैन डू एनीथिंग. मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं. परमात्मा की ऊर्जा मेरे अंदर बह रही है. मैं अपने काम में परफेक्ट हूं. अगले 30 सेकेंड तक इस ऊर्जा को अपने शरीर के कण कण में बह जाने दें. इस पॉजिटिविटी को अपने शरीर के एक एक नस नस में उतर जाने दें. और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को
अपनी आंखों के ऊपर रख लें। ये एक छोटा सा ध्यान है और अपने मन में खुद से ये संकल्प लाएं कि मैं इस ध्यान को जीवन भर रोज किया करूंगा। मेरे तीन गिनने के साथ आप धीरे से आंखें खोल सकते हैं। एक, दो और तीन। यस, आंखें खोले और रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। कैसे लग रहा है? अगर पूरा ध्यान आपका यहां होगा इस सॉन्ग के ऊपर में, तो सही मायने में आपका जो है बिल्कुल मन शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा एकदम, बिल्कुल रिलैक्स। यस, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग फीडबैक कोई देना चाहता है तो दे सकता है। यस, एक मिनट माइक के लिए। हाँ, थोड़ा सा ऑप्शन मेरे को लग रहा है, बंद किया था मैंने, ऑन कर रहा हूँ। होल्ड कीजिएगा प्लीज, अनम्यूट टीम से हो। यस, कर सकते हो। बीच में हम लोगों ने जो है उसके लिए किया था माइक बंद। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज बहुत बहुत पसीना आया जिंदगी में पहली बार। बहुत अच्छा लगा। यस, मेन चीज वही है। देखो, पसीना धीरे 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 आएगा और उसको हमने कंट्रोल भी कर लिया लास्ट में, धीरे धीरे और शांत। और पसीना जब निकलता है तो कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर में, वो भी सिक्रेशन होता है और बहुत अच्छा लगता है। और वो तब संभव है जब हम कैमरा ऑन करके करेंगे। यस, थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत अच्छे सर। जय हिंद सर। बढ़िया सर, हमारी कम्युनिटी में नए मेंबर हैं के, सर की भी पहचान कर देते हैं। सर भी रिटायर फौजी है और सूबेदार रैंक से फौज जो है रिटायर हुए हैं और फिलहाल अपनी कम्युनिटी के साथ में रिसेंटली मतलब ज्वाइन किया है। यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम सर। वेलकम। यस सर, प्रशांत सर। तनंजो, स्वागत है मतलब आपका कमिटी मध्ये। यस 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 यस। और कोई सर? गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का वर्कआउट तो बहुत ही बढ़िया लगा। ये मेडिटेशन मैंने 5:30 बजे यही मेडिटेशन सुना और मैंने आज अभी दोबारा सुना तो मुझे समझ में पूरा आया है सर। यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छी तरह से हुआ सर, वर्कआउट भी और मेडिटेशन भी बहुत ही अच्छी तरह हुआ। रोज ही अच्छे हो रहे हैं। सिर्फ क्या है कि हम लोग कंसिस्टेंसी जितना रखेंगे उतना बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। हम लोग 3 दिन से जो योगा कर रहे थे, अभी 3 दिन हम लोग जो है एक्सरसाइज करेंगे और कल हमारा डांस वर्कआउट है। पता है किसी को? यस सर। यस, नेहा मैडम है क्या? नेहा मैडम चले गए। मैं नेहा मैडम। यस नेहा मैम। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर। नहीं, नेहा सूर्यवंशी है डांस के लिए। बंद नेहा मैडम ने कैमरा ही बंद कर दिया डर के मारे, तो कल डांस कैसे करेंगे हैं? कल डांस करना है, नेहा मैडम का डांस है कल, ठीक है? कैमरा बंद कर दिया आपने तो। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। बोलना है, सभी ने बोलना है। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चांद वाला सर वर्कआउट? यस सर। नहीं, नेहा मैम ऑन कर रही थी फिर बंद कर दिया, माइक बंद हो गया आपका। हेलो। यस, कोई टिप्स है आपकी तरफ से कल के लिए? टिप्स तो नहीं है अभी। चलिए ठीक है, तो कल रेडी है ना आप? हाँ सर, बिल्कुल रेडी। चलिए ठीक है, कल हम डांस सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा। और किसी को कुछ आता है तो वो बताए। हम लोग हर दिन अलग अलग एक्सरसाइज योगा लेने वाले हैं, जिसको जैसे आता है। देखिए, हम अपने आप को बिल्ड करना है, दूसरे को नहीं करना है, इसके लिए हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं। ये धीरे 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 जब आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर भी जब आप जाएंगे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, तो किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे तो वो काम सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। यस, चलिए, थैंक यू सो मच। समय हमारा बहुत हो चुका है, मिलते हैं शाम, अभी शाम को हैप्पी टू हेल्प सेशन में आइए और जानकारी लीजिए एक्चुअली हमें अवेयरनेस के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। जबरदस्त वर्कआउट हुआ आज की, मैं तो थक गए बोल रहे थे, मतलब आदत लगाओ। बहुत पसीना निकला सर आज तो। थकावट नहीं आएगी, दूसरों को थकाओगे।
नहीं, मैं किया था सुबह, लेकिन मैं साइड कर रहा था। साइड में थे, कैमरे के सामने नहीं थे, पर किया, जबरदस्त किया, तो बहुत पसीना है। इनसे कैसे हो जाता है, हमसे क्यों नहीं होता है? आदत लगाओ, होगा थोड़ा थोड़ा होगा, मगर होगा तो सही ना। थैंक यस यस, एक दिन में नहीं होगा पर होगा जरूर। यही यू सर। और मेन चीज देखो, हाँ सुनो, यस मैम, आवाज ब्रेक हो जाए। चलिए ठीक है, तो आप शाम को भी हैप्पी टू हेल्प सेशन जो होता है उसमें भी अपने रिजल्ट शेयर करते रहिए, ताकि आप जो है यहाँ पे कम लोग हैं वहां पे ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे भी अपने रिजल्ट शेयर करना है, बोलना है। जितना ज्यादा आप अपने आप को बिल्ड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है, समय ज्यादा बीतता जा रहा है। थैंक यू सो मच, गुड बाय। यहाँ पे हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं और शाम को हैप्पी टू हेल्प सेशन में मिलते हैं। और जिनको आपको लगता है कि वो लोग भी वर्कआउट में आने चाहिए 7:30 बजे की, तो उस ग्रुप में हमने ऑलरेडी लिंक डाल दिया है, वो आप लिंक दूसरे को शेयर कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, पर सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारे पहचान वाला है, ऐसा ना हो कि पहचान वाला ही ना हो, तो उस टाइप से देने से भी कोई फायदा नहीं। वो अनवांटेड किसी के साथ में कोई मैसेज गलत उलत करेगा, कुछ करेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, हमारी कम्युनिटी का नाम खराब होगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बस इसका ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।